रात की ये क्लिप है जब शोएब को मैंने अड्डे से जल्दी घर पे बुलाया. क्यों? क्योंकि अनु, एजे और तुषार जो है उन्हें सरप्राइज देने के लिए आए थे. एंड बहुत अच्छा लगा. एजे ने मैसेज किया कि दीपिका हम आज फ्री हैं, हम आ जाएं. तो मैंने बोला नेकी और पूछ ज़रूर आ जाओ. और ये लोग बहुत समय बाद मिले तो द एंटायर एनर्जी वो सो हाई. बहुत मज़ा आया, खूब गप्पे मारी, खूब मस्ती की और बहुत बढ़िया से शोएब का बर्थडे ब्रिंग इन किया. आज है 19th, ऑलमोस्ट 12 o'clock हो चुका है, यानी कि आज है 20th शोएब का बर्थडे एंड कल फगर रोहान का बर्थडे. तो आई थिंक विद ईद एक्चुअली विद फादर्स डे पूरा सेलिब्रेशन मोड जो है वो ऑन हो गया. सो सब कुछ रेडी है. आपने देखा अनु, एजे, तुषार तीनों आए हैं. उन्होंने शोएब को सरप्राइज दिया और मैंने ना रोहान को भी रेडी कर दिया. मैंने उसके लिए एक बहुत क्यूट टी शर्ट मंगाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. लेकिन सबसे पहले जो है हम केक ले चलते हैं, बाहर रख देते हैं. इस बार रिंकू ने बहुत ही क्यूट सा केक बना के भेजा है. इसने बोला शी वॉन्टेड टू मेक दिस. ये फादर और सन की जो लेटेस्ट फोटो हुई है ये वो है. थैंक यू रिंकू. अभी तो मैंने फोटो पोस्ट की है 2-4 दिन पहले ही. रिंकू उठाने में कितना टाइम लगता है, वो 5 मिनट में उठा के बना ले. सो ये क्यूट सा, कूल सा, बहुत ही प्यारा सा केक बना के भेजा हमारी रिंकू ने फ्रॉम डी केक क्रिएशंस. और ये सारे केक सभी फ्रेंड्स लेके आए थे. और हमारा जो डेकोर है वो भी अभी फिक्स हो गया है बाय दिस इंस्टा पेज. प्रवीण भाई की जो पूरी टीम है वो आगे करती है. एंड फिर हम सब ने मिल के बर्थडे ब्रिंग इन किया और केक कटिंग किया. बाहर केक कटिंग हो गई है एंड एजे, अनु वगैरह रुहान के लिए भी केक लेके आए थे. तो रुहान का पहला केक कटिंग भी हुआ है एंड पापा का बर्थडे है. रुहान केक नहीं खाएगा तो सही नहीं लगेगा. एंड इत्तेफाक से आज ही डॉक्टर मुग्धा ने ये केक दिया है विच रुहान कैन हैव. मैं आज डॉक्टर मुग्धा के पास क्यों गई थी ये आपको शोएब के ब्लॉग में पता चल गया होगा. बाकी जो डिटेल ब्लॉग है वो आप कल देखेंगे. तो मैं इसमें से इतना सा पीस काट रही हूँ जिसमें से हम आज रुहान को खिलाएंगे और बाकी का जो है उसमें कैंडल लगा के कल खिलाएंगे, है ना. What are you watching? हिचकी लगी है. पानी ये पानी नहीं चलेगा. रुहान, ए रुहान, किसका बर्थडे है? Happy birthday to you. दो डालेंगे ना पर आज दो और यहाँ पे पूरा बर्थडे. हाँ ठीक ठीक है. और वो कार्टून ओके. सो हो गया है 20th इवनिंग, यानी कि अब एक तरफ शोएब के बर्थडे की डिनर की प्रिपरेशन भी हो रही है. आई थिंक ये पहली बार है कि हम शोएब के बर्थडे के लिए डिनर पे बाहर नहीं गए हैं क्योंकि रुहान का बर्थडे ब्रिंग इन करना है. तो ये लोग आ गए हैं रुहान के ब्रिंग इन का डेकोर करने के लिए. बहुत कलरफुल सा डेकोर रखा है हमने और थोड़ा सा बड़ा रखा है. इसीलिए फर्स्ट टाइम जो है हम यहाँ पे डेकोर, मतलब घर बनने के बाद हम यहाँ पे डेकोर कर रहे हैं. और ये जो डाइनिंग टेबल है वो यहाँ लगा दिया है तो खाना हम यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे और जिसे यहाँ से लेके खाना होगा वो यहाँ से खा लेंगे. बाकी सब लोग यहाँ बैठ सकते हैं. कार्टून वगैरह सब कुछ ऐड किया है तो देखते हैं. आज का पूरा दिन एक्चुअली ऐसे निकला है ना कि मैं पूरे दिन को शूट नहीं कर पाई. तो अभी सब कुछ शुरू हो गया है. एंड ये शुरू हो गई रुहान के लिए जो हमने डेकोर थीम चूज़ किया था उस हिसाब से डेकोरेशन शुरू हो गई. सेम टीम है जो मैंने आपको पहले बताया. एंड इत्तेफाक से इनको मिले हुए भी हमें अभी 1 साल हो गया. जो फर्स्ट बर्थडे इन्होंने डेकोर किया था वो यहीं पे था लास्ट ईयर शोएब का. अब वी आर गोइंग टू गेट इनटू रुहान्स फर्स्ट बर्थडे एंड आई एम सो आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो इमोशनल. देर आर सो मेनी, मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना. मैं पिछले 2-3 दिन से ऑटोमेटिकली ना वो ओल्ड फोटोज में जा जा के देख रही हूँ कि कितना सा था,
एंड ये पूरा वीक ऐसा गया है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सेलिब्रेशंस हुए हैं. आज शोएब का बर्थडे था एंड आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि हम शोएब के बर्थडे पे कहीं पे भी डिनर के लिए नहीं गए हैं. हम यहीं घर पे ही हैं और अभी 11 बज गए हैं और अभी सब लोग डिनर के लिए आएंगे क्योंकि हम वो डिनर करेंगे एंड देन वी विल गेट इनटू रुहान्स फर्स्ट बर्थडे ब्रिंग इन. एंड मैंने अब तक शोएब को बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया है, मैंने कुछ मंगवा के उनके लिए रखा है, तो अब जब वो आएंगे तो उनको हम बर्थडे गिफ्ट देंगे और उसके बाद जो है हम ब्रिंग इन करेंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू नो व्हाट, अभी 15 मिनट पहले रुहान हैज डिसाइडेड टू गो एंड स्लीप. कल वो रात भर जगा था पता नहीं क्यों, आज वो सो गया है तो अब मुझे नहीं पता वो कितने बजे उठेगा. तो हम लोग खाना वाना खा के वेट करेंगे कि रुहान उठेगा, तब हम केक कट करेंगे. शब्दों में नहीं बता सकती, मतलब ये एक साल किस तरीके से गुजर गया एंड इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, इतना ज्यादा इमोशनल फील हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जितना अल्लाह का शुक्र किया जाए उतना कम है. और हाँ, शोएब ने एक बात तो सही बोली थी कि अब उनका बर्थडे एकदम ही सादा हो गया है क्योंकि रुहान आ गया है. तो हमने शोएब का ब्रिंग इन किया और शोएब का जो बर्थडे डिनर है वो हमने रात को 11 बजे यहीं घर पे ही किया एंड फॉलोड बाय रुहान्स ब्रिंग इन. वो सब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे. लेकिन मेरे लिए जो इस पूरी जर्नी के सबसे इम्पॉर्टेंट लोग रहे हैं, जो आपको पता है हम जिनसे मिलने गए थे, आर द डॉक्टर्स, ऑल द डॉक्टर्स जो रुहान से कनेक्टेड रहे हैं, राइट फ्रॉम डॉक्टर श्वेता जो कि मेरी गायनाक रही हैं, जिनके साथ मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी सब कुछ रहा है. तो वो ना वो एक बैकबोन रहे हैं इस पूरी जर्नी का एंड वो स्ट्रेंथ रहे हैं. जहाँ कहीं भी हम डरे हैं रुहान को लेके, वो हमारा सपोर्ट रहे हैं. तो अब
जो है मैं आपको एक एक करके उन सब से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, क्योंकि ये मेरा तरीका है और शोएब का तरीका है उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने का. बोले थैंक यू डॉक्टर, ऐसे देना. बोले थैंक यू डॉक्टर फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी जब मैं पेटू था. शुरुआत करते हैं विमेंस हॉस्पिटल से, क्योंकि यहीं पे मेरी गायनेक है, मेरे स्कैन्स वगैरह सब यहीं हुए थे. सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अपने डॉक्टर से, जिन्होंने मेरे सारे स्कैन्स किए थ्रू आउट. रेडियोलॉजिस्ट एट विमेंस हॉस्पिटल डॉक्टर नम्रता प्रभु देसाई. बिग बॉय, यस दे कमिंग अप सून. हाउ टाइम इज जस्ट फ्लोन. All have been a very important part of his journey, his growth, and especially you and Dr. Shweta. You all have seen him from the time he was 2.5 mm. I know, rice grain. Yes, rice grain. So thank you, and that is Dr. Namrata. Thank she you. Has been with me. You know, it's very important कि जब आप वहाँ लेटे होते हो, there are so many emotions, डर लग रहा होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं, that one soothing voice from the doctor, and that's it. You are like, हाँ, okay, ठीक है, everything is fine, everything is fine. Thank you, sir. I'm so happy that we could be a part of your journey, and always welcome. Absolutely. Women's तो specially घर लगता है. एकदम, मतलब एनवायरमेंट भी वैसा है एंड आप सबके साथ बॉन्डिंग भी वैसी है. दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव. स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस. एंड दिस इज स्वीट्स फॉर यू. एंड मैं सबके लिए शीर कोरमा बना के लाई हूँ, तो वो खाए बिना कोई घर नहीं जाना. थैंक यू सो मच. किसके साथ आया? ओके, सो आज वो वक्त है जब मैं आपसे उस सबसे मेरी जो सबसे स्पेशल वाली और सबसे प्यारी वाली डॉक्टर है उनसे मिलवा रही हूँ. ऑल दिस वाइल आप लोगों ने मुझे पूछा है, मैंने उनके बारे में जिक्र किया है, लेकिन आज मैं इन पर्सन मिलवा रही हूँ मेरी गायनेकोलॉजिस्ट, मेरी स्ट्रेंथ डॉक्टर श्वेता. हेलो, हाय. मेरे लिए स्पेशली मैं किसी ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट को ढूंढ रही थी जिनसे मुझे एक कंफर्ट भी मिले, वो स्ट्रेंथ भी मिले एंड करेक्ट गाइडेंस मिले. एंड आई फाउंड एवरीथिंग एवरीथिंग इन हर. मुझे आज भी याद है जब मैं डिलीवरी के लिए आई थी, मैं सबके सामने हंस खेल रही थी, मैंने शोएब के सामने बड़ी मस्ती की सब कुछ, बट द मिनट आई सॉ हर लाइंग डाउन ऑन दैट स्ट्रेचर, मुझे ओटी के बाहर मैं वेटिंग एरिया में थी, जब मैं इनको देखा आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड ओके नाउ यू आर हियर. Now okay, now I know कि कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, so thank you. You are most welcome. You're more, and it's been such a lovely journey. Yeah. And I just want to say I'm so proud of both Deepika and Shoaib that you have made Ruhan into such a healthy, happy, and cutest baby ever. He's so cute and he's grown so well. Yes. And you have looked after him really, really well. ये एक एक तरीके से एक होमवर्क मुझे मैम ने दिया था, है ना. Yes. जब डिलीवरी के बाद जब हम डिस्चार्ज हो रहे थे, दैट्स व्हेन मैम हैड सेड कि ओके नाउ ऑल इज गुड, ही इज फाइन, नाउ आई वांट टू सी हिम नाइस चब्बी एंड फोटो. सो दिस एक रीजन बहुत बड़ा दीदी क्यों विधवा में था. हाँ, चब्बी करना है, चब्बी करना है. एंड दैट्स रियली अ होमवर्क बिकॉज द प्रीमी बेबीज व्हेन दे आर बोर्न दे आर स्मॉल, देयर बॉडी इज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल फूड ऑल्सो. दे टेक अ लिटिल व्हाइल to start eating well, digesting the food well, then putting that food on as a part of their weight. Yeah. On their body. So he's done well. I know you have worked hard, but I think the hardest who's worked. Yes. Is Ruhan. Yes, it is Ruhan, absolutely. Yes. It is Ruhan with all the love and all the blessings that he yes. has. Okay, now that I have the privilege ki aap mere saath video pe ho and my viewers are watching you,